नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 के बारे में। रिसेंटली दोस्तों एंड्रॉयड 12 का जो iOS पे रिलीज हो चुका है ऑफिशियली गूगल की तरफ से, एंड अभी फिलहाल हमारे पास जो पोको A1 है इसके अंदर हम एंड्रॉयड 12 का जो iOS पे एक्सटेंडेड 9.0 रॉम है उसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अपने पोको A1 के अंदर आप एंड्रॉयड 12 को इंस्टॉल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर सकते हो, एज वेल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेट कर देना। तो जो डाउनलोडिंग है रॉम का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद अगर आपके फोन के ऊपर कोई भी स्क्रीन लॉक लगा हुआ है उसे रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपको स्क्रीन लॉक की जरूरत नहीं है। एज वेल जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप ले लीजिएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप नहीं लेते हो तो बाद में इस प्रोसेस करने के दौरान, रॉम को इंस्टॉल करने के दौरान आपका जो डेटा है डिलीट हो सकता है। तो मेक श्योर बैकअप योर डेटा। उसके बाद आपको जो है रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। यहाँ पर हम दोस्तों पिच ब्लैक रिकवरी यूज कर रहे हैं, बट अगर आप चाहो तो ऑरेंज कॉक्स रिकवरी एंड TWR रिकवरी को भी यूज कर पाओगे। रिकवरी में जाने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को होल्ड करके रखो 5-6 सेकंड, उसके बाद आप रिकवरी के अंदर बूट हो जाओगे। रिकवरी के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको बैकअप करना होगा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा फाइल्स आपके डिवाइस पर मौजूद है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपका जितने भी डेटा है दोस्तों इंटरनेट स्टोरेज के अंदर सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। बैकअप को क्रिएट करने के बाद अगर चाहो तो बाद में आप रिस्टोर भी कर पाओगे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सिंपली आपको वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद आपको फॉर्मल डेटा में जाना होगा, देन आपको यहाँ पर येस टाइप करना होगा। सो आपको यहाँ पर फॉर्मल डेटा करना जरूरी है, क्लीन फ्लैश करना जरूरी है। तो देखिए पा रहे हो यहाँ पर फॉर्मल डेटा होना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही चंद सेकंड लगता है। एंड यहाँ पर जो हमारा फॉर्मल डेटा है कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मल डेटा हो जाने के बाद आपको जो अपना रिकवरी है उससे फिर से रिबूट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर रिबूट टू रिकवरी में टैप करते हैं, उसके बाद आपका जो रिकवरी है फिर से रीस्टार्ट होगा। इसी टाइम के अंदर आप अपना जो फाइल है अपने पीसी के साथ और भी आप और जो एसडी कार्ड है उसके साथ आप कॉपी कर लीजिए। तो सिंपली हम यहाँ पर जो अपना रॉम है उससे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। देख सकते हो हमने यहाँ पर रॉम को कॉपी कर लिया है। एंड सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल में चलते हैं, एंड यहाँ पर से जो रॉम है iOS पे एक्सटेंडेड 9.0 इस रॉम को यहाँ पर फ्लैश कर देते हैं। रॉम फ्लैश होने में लगभग 1-2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि पोको A1 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ऑफकोर्स। तो रॉम जो है आपका बहुत ही जल्दी फ्लैश हो जाएगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर जो अपना रॉम है यहाँ पर फ्लैशिंग हो चुका है। उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम में टैप करना होगा। ध्यान देने की बात होगी पहला जो बूट है उसमें लगभग आपको 5 मिनट के आसपास आपका जो फोन है दोस्तों बूट हो जाना चाहिए, एंड उससे पहले भी एक्चुअली हो जाता है। मेरा तो फोन जो है 2-3 मिनट के अंदर ही बूट हो गया, एंड iOS पे एक्सटेंडेड का जो लोगो है वो भी हमें देने को मिल गया है। एंड देख सकते हो फाइनली यहाँ पर हम बूट कर चुके हैं, एंड एंड्रॉयड 12 जो है यहाँ पर हमें देने को मिल गया है। इस रॉम का जो रिव्यू है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर आ चुका है, आप पोको A1 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड्रॉयड 12 का जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरह से हमें देने को मिलता है। देखिए प्यारो इस रॉम के अंदर हमें कोई भी प्ले स्टोर देने को नहीं मिलता है, तो आपको अलग से जो प्ले स्टोर है वो भी डाउनलोड करना होगा एंड फ्लैश करना होगा। किस तरह से प्ले स्टोर को फ्लैश करते हो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सिंपली प्ले स्टोर को फ्लैश करने के लिए आपको जो चीज़ करना होगा, अपना जो फोन है उसे फिर से पावर ऑफ करके फिर से रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। तो अगेन रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को 5-6 सेकंड के लिए होल्ड करके रखो, उसके बाद आपका जो फोन है उसको रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी के अंदर। देख सकते हो हमारा जो फोन है उसके बाद रिकवरी के अंदर बूट हो जा रहा है। एंड इस बार अभी आपको जो है जी एप्स को फ्लैश करना होगा। तो पहली दफ़ा हमने ARM को फ्लैश किया था एंड्रॉयड 12 का, तभी दोस्तों हमें एरर देखने को मिल गया है। देखिए पहले यहाँ पर हमने एरर को ARM को फ्लैश किया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें एरर देखने को मिला है। तो हमें जो है ARM64 को फ्लैश करना होगा। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें सभी जी एप्स का जो लिंक है एंड्रॉयड 12 को सपोर्ट करती है वो प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जाके आप ARM64 को डाउनलोड कर लेना, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फ्लैश करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर हम ARM64 को फ्लैश करें, एंड हमारे फ़ोन के ऊपर जो है अच्छे से यहाँ पर इंस्टॉल हो जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके साथ आपको जो है प्ले स्टोर का जो सपोर्ट है देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए पड़ो जो है सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है विदाउट एनी एरर। तो सिंपली यहाँ पर हम रिबूट सिस्टम में टैप कर लेते हैं, हमारा जो फोन है इस बार फिर से रिबूट होने वाला है। एंड यहाँ पर जो है सक्सेसफुली हमारे डिवाइस के ऊपर जो प्ले स्टोर है वो आ चुका है, जी एप्स जो है हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। एंड आपको जो iOS का लोगो है एंड्रॉयड 12 के अंदर एंड्रॉयड 11 वाला ही है। यहाँ पर iOS के लोगों के अंदर iOS एक्सटेंडेड लोगों के अंदर कोई भी चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो कुछ इस तरह से अपने पोको A1 के अंदर आप एंड्रॉयड 12 का जो iOS एक्सटेंडेड 9.0 बिल्ड है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इस वीडियो को लाइक जस्ट शेयर जरूर से करना, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। एंड डाउनलोडिंग आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा रॉम प्लस जी एप्स का, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करके इस रॉम की यूज़ करके देख सकते हो अपने पोको फोन A1 के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रॉम रिव्यू जो है ऑलरेडी आ चुका है, पोको फोन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।